आपको यकीन है कि आप स्टेज से निकल जाएंगे? इंशाल्लाह मैं ज़रूर निकलूँगा। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और इन्होंने मेरे पे 21 का सेक्शन लगाया, मैंने ब्लर करके वीडियोस लगाई हैं, मेरे पे तो वो अप्लाई नहीं होता। और ये एक आप सबके लिए भी लम्हा है, इसलिए आज मैं खड़ा हूँ तो कल को आप भी खड़े हो सकते हैं। 21 का सेक्शन अब मैंने ब्लर करके एक चीज़ लगाई है, जर्नलिज्म के नॉर्म्स और एथिक्स को मद्देनजर रखते हुए। उसके बावजूद भी अगर इनकी तरफ से, मैं फिर भी अपने लॉयर से कंसल्ट करूँगा। लेकिन मसला है, इशू है और रोला है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ दी लॉ ब्रदर्स यूट्यूब चैनल पर। और आज जनाब हम बात करेंगे कि यासर शामी का जो मामला है उसमें ये सेक्शन 21 मुझ पर लगाया गया, ये क्या है? और यासर शामी साहब के मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता चलूँ कि यासर शामी एक फेमस यूट्यूबर, एक जर्नलिस्ट और एक, आपने अक्सर इनको डेली पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर देखा होगा, वहाँ पे काफ़ी सारी इनका कंटेंट आता है और काफ़ी वायरल कंटेंट होता है इनका। यासिर शामी साहब का एक मामला ये बना कि इन्होंने अमर लियाकत साहब की कुछ वीडियोस जो कह लें पर्सनल थी, दिखाने के काबिल नहीं थी, उनको ब्लर करके जो उनके बकौल मुकालमे के उनको उन्होंने रिलीज किया ब्लर करके। अब उसका मामला ये बना कि जब इन पे ये केस वगैरह चल रहा है तो यासिर शामी पे एक रिपोर्ट, एक रिपोर्ट या FIR कह लें, जो साइबर क्राइम के थ्रू FIA के थ्रू जारी की जाती है। साइबर क्राइम दोस्तों एक ऐसा क्राइम है जो अब साइबर वर्ल्ड में, ऑनलाइन वर्ल्ड में मुर्तगिब करते हैं। अब कोई भी ऐसा जुर्म जो ऑनलाइन कर रहे होते हैं उस, वो साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आता है। अब जो वीडियो बनना, रिलीज होना, ये सारे का सारा जो मामला, ये साइबर क्राइम है। सेक्शन 21 जो इन पे लागू हुआ है या जिन इनके खिलाफ जिस बेस पे FIR दर्ज हुई है, वो सेक्शन 21 प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट PICA, जिसको नाम दिया गया PICA 2016, प्रिवेंशन इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016। अब ये 21 सेक्शन क्या है, इसका इतना जिक्र क्यों कर रहे हैं? और कहते हैं मैं बच जाऊंगा, ये होगा, लेकिन ये तो कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करेगी बचते हैं या नहीं बचते, और क्या ये काम ठीक हुआ या नहीं ठीक हुआ ये कोर्ट ऑफ लॉ करेगी। लेकिन लोगों के दरमियान एक वावेला, एक शोर, एक खबर, एक थ्रिल मचा हुआ है कि यार ये क्या है सेक्शन 21, लोगों को पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन वर्ल्ड है, हम सब इसमें शामिल हैं। आप देख लें YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat, Google, Twitter, X, अपना वो जो प्लेटफॉर्म्स और यानी WhatsApp, Imo, Viber, पता नहीं क्या क्या आजकल एप्लीकेशंस बन गई हैं, ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। इनके रूल्स, लॉज और एथिक्स हमें पता होने चाहिए ये क्या है। अगर हमें आज नहीं इल्म होगा, कानून को आप ये नहीं कह सकते आई डिडंट नो या मुझे नहीं था पता। कानून कहता है इंसान को पता है। अब ये कोई इंसान, ये देखिए अब तो शऊर आ गया कि जी चोरी करना एक जुर्म है। अब अगर ऐसा कोई बंदा बोले कि जी चोरी करना जुर्म है, मुझे तो नहीं था पता, मैंने तो एक चीज उठाई है, बात वही है। जब एक लॉ, एक प्रेसिडेंट सेट हुआ हुआ है ना एक मुल्क में, उसका भी वो आप कह लें एक लॉ है कि वो सबको पता है। आप कोई भी ऐसी हरकत करेंगे आप कानून की गिरफ्त में आएंगे। ये लेकिन लोगों, आपने मेरे भाइयों दोस्तों, आपने चीज़ों को ध्यान में रखना है। और इस चैनल का मकसद यही है, मैं हूँ इस चैनल पे, मेरा एक छोटा भाई है सुभान मीर जुमान उसका नाम है, मेरा नाम हैदर मीर जुमान है। हम लोगों का काम है कि आपको इस नॉलेज से अवेयर करें, इस नॉलेज से आपको आगाह करें कि हो क्या रहा है माशरे में और किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है ताकि आप इन चीज़ों में फंस ना जाएं। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट का 2016 का सेक्शन 21, जिसकी यासिर शामी साहब बार बार बात करें, वो क्या है? सेक्शन 21 में आपको सुनाता हूँ, ऑफेंसेस अगेंस्ट मोडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन एंड माइनर। इसमें एक माइनर, एक बच्चे की बात की गई और एक नेचुरल पर्सन जो 18 साल या एक 12-14 साल से बड़ी उम्र का बच्चा है उसकी बात की है, माइनर और एक नेचुरल पर्सन की बात की गई है। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ, थोड़ी वीडियो एजुकेशन वाली है, लेकिन बात है कि आप एंड तक इसको लाजमी देखें। सेक्शन 21 का सब सेक्शन 1,
whoever intentionally and publicly exhibits or displays or transmits any information. कोई भी बंदा intentionally एक information को data को leak करता है लोगों के सामने लेके आता है. अब उसमें चीजें क्या हैं? Part इसका जो sub clause section 21 का sub section 1 का sub clause A B C D ये चार दी गई हैं. पहले ए पे आते सुपर इम्पोजेस अ फोटोग्राफ ऑफ द फेस ऑफ अ नेचुरल पर्सन ओवर एनी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इमेज और वीडियो. कोई भी ऐसी बंदे की फोटोग्राफ को नेचुरल पर्सन की भी बात हो रही है जो बड़ी उम्र का माइनर की नहीं बात हो रही उसकी इमेज या वीडियो जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कर रही है जो ऐसी अयां हो रही है बरखना काइंड ऑफ वीडियो कह लें वो उस चीज में आती है. पार्ट बी में आते हैं इंक्लूड्स अ फोटोग्राफ और अ वीडियो ऑफ अ नेचुरल पर्सन इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट जो उस कंडक्ट में आ रहा है. नंबर सी इंटिमिडेट्स अ नेचुरल पर्सन विद एनी सेक्सुअल एक्ट और एनी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इमेज और वीडियो ऑफ अ नेचुरल पर्सन. डी में आया कल्टिवेट्स एंटिसिस और इंड्यूसेस अ नेचुरल पर्सन टू एंगेज इन अ सेक्सुअल एक्सप्लिसिट एक्ट थ्रू एन इंफॉर्मेशन सिस्टम टू हार्म नेचुरल पर्सन और हिज रेपुटेशन. जहां पे किसी बंदे की जो रेपुटेशन है नेचुरल पर्सन की वो हार्म हो रही है और टेक रिवेंज और टू क्रिएट हेटेड और टू ब्लैकमेल शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट. आगे मैं बताता हूं और फाइन ये बताता हूं इसमें है कि अब आप एक बंदे के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं जिसमें उसकी रेपुटेशन खराब हो सकती है उसके खिलाफ एक बदला आप ले रहे हैं उसके खिलाफ आप हेट पैदा कर रहे हैं. नंबर चार आ जाता है आप उसके खिलाफ ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं. अब ये चार चीजें हैं जो को हम एक साइड से बंदे ने प्रूव करनी है दूसरे ने उसको डिसअप्रूव करनी है अपनी कह लें इनोसेंस प्रूव करनी है. इसमें दोस्तों आ जाता है कि इसमें जो सजा है वो 5 साल तक की कैद है और 50 लाख रुपए तक कोई जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं और ये सजाएं बड़ी सख्त हैं और मैं कहता हूँ अच्छी बात है ऐसी सजाएं सख्त होनी चाहिए क्योंकि कानून 2016 में बने पहले तो पुराने हमारे लॉस चल रहे हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीजें अब बेहतर हो रही हैं इनको और भी बेहतरी की तरफ आएंगी. मैं आगे आपको इसका जो सब सेक्शन 2 भी बताता चलूं जहां पे एक माइनर के साथ ये मसला हो जाता है वहां पे जनाब जो है उसमें जनाब आपको जो फाइन है वो 50 लाख रुपए तक है और लेकिन यहाँ पे जो सजा है अगर आप एक बच्चे के साथ ऐसी हरकत करते हैं तो आपको 10 साल की सजा है. ये जनाब दोस्तों सेक्शन 21 है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट का. आप लोगों ने जब वीडियोस को देखिए आजकल हमें शौक चढ़ा हुआ है वायरल होने का फेमस होने का जल्दी जल्दी काम करने का लेकिन जब आप एक अपनी सक्सेस की पीक पे जाते हैं ना तब आप अन्य हो जाते हैं आपको कुछ नज़र नहीं आता कि आप किसके साथ क्या चीज़ कर रहे हैं. देखिए ऑनलाइन चीज़ें बहुत संभाल के ध्यान से देख सुन के आपको ले कर चलनी चाहिए. अगर आप ऐसी हरकत करेंगे तो आप भी यासिर शमी साहब की तरह फंस सकते जैसे आज वो फंसे हुए हैं. शो हो रहा होगा कि उनको कोई मसला नहीं लेकिन मसला है इशू है और रोला है. मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी. चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर ले वीडियो को लाइक कर ले इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.